नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एम्पियर, वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल में आपके साथ दिव्यानी शर्मा। मंसूर में भगवान पशुपतिनाथ के विश्वविख्यात व अष्टमुखी प्रतिमा में शरण व दरारों का दायरा 5 से बढ़कर 6 मुख तक जा पहुंचा है। यह चिंता का विषय है, साल भर में ही यह हाल बन गया है। ऐसे में केमिकल एक्सपर्ट और बजट भी जरूरी है। खास बात तो यह है कि भगवान पशुपतिनाथ के नाम पर तैयार हो रहे लोक में पहले चरण में 25 करोड़ रुपये से निर्माण जारी है व दूसरे चरण के लिए भी 25 करोड़ की डिमांड भेजी गई है। मंदिर के पास से गुजरते शिवना नदी के शुद्धिकरण के लिए भी 29 करोड़ के प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, लेकिन प्रतिमा के मुखों पर बढ़ रहे शरण व दरारों से निपटने के लिए साल भर से किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई। 20 नवंबर को ही मंदिर परिसर में 64वां प्रतिष्ठा महोत्सव होना है, तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रतिमा के शरण को लेकर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं है। पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा 1200 साल पुरानी मानी जाती है। इसकी ऊंचाई 7 फीट है। पुरातत्वविद डॉक्टर कैलाश चंद्र पांडे के मुताबिक प्रतिमा चिकने चमकदार व गहरे ताम्रवर्णीय आग्नेय पत्थर से बनी है। विधानसभा चुनाव 2023 के वक्त तत्कालीन विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया व कलेक्टर दिलीप कुमार यादव के संज्ञान में भी यह मामला आया था। वर्तमान में कलेक्टर व समिति अध्यक्ष अदिति गर्ग है। विधायक व ट्रस्टी विपिन जैन का कहना है कि सीएम को व्यक्तिगत तौर पर डिटेल भेज रहा हूँ, सुधार के लिए केमिकल एक्सपर्ट व बजट की मांग करेंगे, कलेक्टर को भी अवगत कराएंगे। ये था अब तक अपडेट। लगातार ऐसे तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एम्पियर, वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ।